तो वही बाड़मेर की जेल में इकरान में कोरोना के पॉजिटिव मिले से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुबह की रिपोर्ट में मिले 103 पॉजिटिव मरीजों में से इकरान में जेल के बंदी हैं। अब तक जेल से 97 कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकल चुके हैं। मरीजों की पुष्टि इधर तक हो चुकी है। इसके बाद जेल परिसर को सैनिटाइज किया गया और बाकी सभी कैदियों को आइसोलेट किया गया। लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। 103 केसेस यहां से आज मिले, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इकरान में कोरोना के पॉजिटिव है वो जेल से मिले और अब तक कुल 97 कोरोना के पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके बाद में हड़कंप एक बारगी के लिए वहां मच गया। जेल परिसर से सभी कैदियों को आइसोलेट किया गया है और 97 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि अब तक जेल परिसर से हो चुकी है। लगातार कोरोना का जो ग्राफ है प्रदेश में बढ़ता तो जा, कहीं ना कहीं से अछूता नहीं रहा। 103 केसेस में से 91 केसेस मात्र जेल परिसर से ही सामने आ गए और कुल अगर केसेस की बात करें जेल से अब तक जितने लोग सामने आए हैं कोरोना के संदिग्ध संक्रमित, माफ कीजिएगा, 97 लोग कोरोना के संक्रमित। सुबह के रिपोर्ट में 103 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। इकरान में मरीज एक साथ कोरोना का विस्फोट जेल परिसर में हुआ। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अशोक सेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, इकरान में कोरोना के पॉजिटिव आज भी बूंदी के जेल परिसर से मिले, क्या वो कारण रहे, इसके बाद में क्या व्यवस्थाएं आगे की बाकी कैदियों के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो बाड़मेर की जेल है उसमें आज कोरोना की जो मंगलवार देर रात्रि की रिपोर्ट की बात करें या आज की अब तक की कोरोना की रिपोर्ट की बात करें तो बाड़मेर की जेल में अब 126 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अभी भी हाल ही की रिपोर्ट आई है सीएमएचओ की ओर से जारी हुई है, उसमें और कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। तो इस प्रकार से आज और कल दोनों दो दिन की बात करें तो बाड़मेर में 126 पॉजिटिव मरीज सो है वो सिर्फ बाड़मेर जेल में आए हैं। साथ में आपको यही बता दूं कि बाड़मेर की जेल में कुल 197 कैदी है वो से, और उनमें से 4 पॉजिटिव मरीज पहले आए थे। उसके बाद जो इनके संपर्क में आने वाले सभी कैदियों के सैंपल लिए गए, करीब 190 जो कैदी थे उनके सैंपल लिए गए, जिसमें से 126 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पॉजिटिव मरीज की जो बंदी थी उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे चिकित्सा विभाग में, जिला प्रशासन में और पुलिस प्रशासन में इसको लेकर हड़कंप मच गया। और जिला कलेक्टर विश्राम मीणा है, बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा है, वो तो उनके साथ ही पूरा चिकित्सा विभाग का जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो पूरे जेल परिसर पहुंचे, वहाँ का निरीक्षण किया है। और फिलहाल पूरे जेल परिसर को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है और सभी बंदियों का जो ट्रीटमेंट है वो भी शुरू करवा दिया गया है। जी अशोक, जाना चाहूंगी, इतनी ज्यादा संख्या में जब वहां से पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, क्या संक्रमण के पीछे कारण रहा, क्या उसकी फिलहाल कोई सूचना? जो बाड़मेर का जो जेल परिसर है उसमें जो सीमित है स्थान है वो बहुत सीमित है, क्योंकि जो बैरेक बाड़मेर की जेल में सिर्फ 6 बैरेक ही है और उन 6 बैरेक में 197 जो बंदी रखे गए थे। तो सबसे पहले जो 4 बंदी पॉजिटिव पाए गए थे उनका हाल ही में उनको जेसी किया गया था और उनकी रिपोर्ट जो करवाई तो वो पॉजिटिव आ गई थी। और जो सीमित समय स्थान है इस कारण सभी जो बंदी है उनको एक साथ ही खाना खाना एक हॉल में पड़ता है, जो उनका शौचालय बना हुआ है वो भी कॉमन है। तो ऐसे में सभी जो बंदी है वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, क्योंकि स्थान जो बाड़मेर जेल परिसर का है वो बहुत सीमित है। 6 बैरक के अंदर ही 197 बंदियों को रखा गया था, इसलिए ये जो इतना बड़ा संक्रमण हुआ है। और बाड़मेर की बात करें तो पहली बार बाड़मेर में 100 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा वो एक साथ आया है। और इस आंकड़े के बाद पूरे जिले में एक हड़कंप सा माहौल ये बना हुआ है कि इतने संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। और बाड़मेर जेल में इकरान में कोरोना के पॉजिटिव मरीज वहां से मिले हैं। जेल में एक बारगी के लिए कोरोना का विस्फोट हुआ है। सुबह की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 103 मरीज यहां से मिले, जिसमें से इकरान में जो मरीज है वो कोरोना के जेल परिसर से मिले हैं।